चिल्ड्रन, बेटा हमने आज से पहली वाली कक्षा में जंतुशाला अर्थात चिड़ियाघर के बारे में पढ़ा था कि चिड़ियाघर में अनेक जानवरों के बारे में हमने पढ़ा। यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं कि चिड़ियाघर में अनेक जानवर होते हैं और उन जानवरों के बारे में हमने पढ़ा कि शेर जो है वो जंतुओं का राजा होता है और हंस जो है वो सोने के रंग जैसा होता है, गैंडा किस प्रकार का होता है। फिर यहाँ पर दो भाई और पिता संवाद करते हैं आपस में, एक दूसरे से पूछते हैं जब वो चिड़ियाघर घूमने के लिए जाते हैं, और ऐसे ही अनेक जानवरों के बारे में आपस में चर्चा करते हैं। और उनकी चर्चा से हमने भी जाना गैंडे के बारे में, शेर के बारे में, हंस के बारे में, और आज हम उसी पाठ का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले हम थोड़े से शब्दार्थ करेंगे और उसके बाद में अभ्यास कार्य करेंगे। अब देखिए, शब्दार्थ जंतुशाला चिड़ियाघर, अलम बस मतलब कोई आवश्यकता नहीं, तात पिता, विशाल काय विशाल शरीर वाला, प्रथमम पहले, विविध वर्ण मीन्स अनेक रंगों वाला, बल युक्त बलशाली बलवान, क्षण मीन्स क्षण अ मूमेंट, व्यवस्था प्रबंध इंतजाम, शांत है थका हुआ, विस्तर है मीन्स विस्तार से डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन करके, प्रवेश पत्रम एंट्री टिकट, क किम का पुलिंग शब्द रूप है कौन, गंड कहा गेंडा, अतीव बहुत अधिक, चट कहा चिड़िया, कह अपि कोई भी, यत जो ये पुलिंग के रूप में आ जाएगा, य यौ ये, रक्षणम रक्षा, अन्य दूसरा। अब ये जो मैंने आपके सामने अभी शब्दार्थ पढ़े, अभी मैं इन शब्दार्थों में से दो तीन शब्दार्थ आपसे पूछती हूँ कि आप लोगों ने अलर्ट होकर सुना, और आप सबके पास बुक्स भी है, सामने है आपके ओपन बुक टेस्ट जिसको कहते हैं। मैं अभी आपसे पूछती हूँ, आप मुझे बताएंगे, सिर्फ ओनली हैंड रेस करेंगे, नबडी विल स्पीक इन बिटवीन, ठीक है? यस, विशाल काय, यस सुदीति, सुदीति आप बताइए विशाल काय, सुदीति बेटा विशाल काय मीन्स, बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही। यस नेक्स्ट अक्षत जैन आप बताएंगे, अक्षत जैन, अक्षत जैन आप बताइए बल युक्त, बल युक्त मीन्स, बल युक्त मीन्स बलवान, मैम बलवान, यस वेरी गुड बेटा, जस्ट वेट बेटा, क्या विविध वर्ण, विविध वर्ण, यस शिवम जोशी आप बताइए विविध वर्ण, हम विविध वर्ण, मैम
यस विविध वर्ण रंगों वाला, वेरी गुड, अनेक रंगों वाला, वेरी गुड। मेरे बच्चों को, बहुत बच्चों को इसका मीनिंग पता है, बहुत बच्चों के हैंड रेज है, बट बेटा मैं एक दो से ही पूछ सकती हूँ ना क्लास में, ठीक है बेटा? ओके बेटा, थैंक यू सो मच, वेरी गुड। यस वैभव अग्रवाल, वैभव अग्रवाल आप बताइए। अतीव, अतीव मीन्स मैम अतीव। हाँ जी अतीव, बहुत अधिक। अतीव मीन्स वैभव मैम, बहुत अधिक। यस वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। यस थैंक यू बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका बेटा, पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दो। अब पहला प्रश्न है आपका कि एक पद में उत्तर दो, इसका मतलब है कि एक शब्द में हमें उत्तर मिलना चाहिए। जलाशय के तरंती, जलाशय में, तालाब में कौन तैरते हैं? यहाँ पर देखिए जलाशय में कौन तैरते हैं? आर्यन जैन आप बताइए। मैम हंसाहा। यस वेरी गुड बेटा, हंसाहा, वेरी गुड। अब सब बच्चे अपनी अपनी बुक में लिखते जाइए, साथ साथ लिखिए, आपके साथ, आपके सामने स्क्रीन पर भी है, वहां लिखा हुआ है, राइट डाउन दिस। नेक्स्ट देखिए, क अति बल युक्त, कौन बहुत बलशाली है? यस कृष्णा परोपकारी आप बताइए, कौन बहुत बलशाली है? मैम गेंडकः। यस वेरी गुड बेटा, गंडकः, गंडकः मींस गेंडा, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंडकः कुत्र तिष्ठति, गेंडा कहाँ रहता है? यस गंडकः कुत्र तिष्ठति, आस्विया आप बताएंगी, आस्विया। यस मैम। गंडकः कुत्र तिष्ठति, इसका आंसर बताइए। मैम जलस्य समीचे। वेरी गुड बेटा, जलस्य समीपे, जल के पास रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क जंतु राज है अस्ति, क जंतु राज है अस्ति, इसमें देखिए कौन जंतुओं का राजा है? यस नमन गुप्ता आप बताइए। सिंह। यस वेरी गुड बेटा, सिंह शेर जंतुओं का राजा है। नेक्स्ट देखिए, हंसस्य वर्णः कीदृशः भवति, हंसस्य वर्णः कीदृशः भवति, हंस का रंग कैसा होता है? ईशान नौटियाल आप बताओ। स्वर्ण वर्पाह। हाँ स्वर्ण वर्णः, सोने के रंग जैसा, स्वर्ण मीन्स सोना, वर्ण मीन्स रंग, सोने के रंग जैसा, वेरी गुड चिल्ड्रन। यस नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्येन उत्तरत में आपको पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है, या स्क्रीन पर भी देखिए हमने पूरे वाक्य में उत्तर लिखा हुआ है, सो प्लीज बी केयरफुल। जंतुशालायाम जंतुनाम भोजनस्य व्यवस्था कस्य कार्यम अस्ति, जंतुशाला में जंतुओं की भोजन की व्यवस्था किसका काम है? यहाँ पर देखिए, जंतुशालायाम जंतुनाम भोजनस्य व्यवस्था, इतना तो आप प्रश्न में से ही लिखेंगे, अब कस्य का उत्तर आपको देना है, जंतवे सेवकस्य कार्यम अस्ति, जंतुओं के सेवक का कार्य है। आपने इस चैप्टर में जब हमने पढ़ा तो यही हमने जाना था कि जो भी जंतुशाला में जंतुओं के भोजन की व्यवस्था प्रबंध इंतजाम करता है वो जंतु का सेवक होता है, वही उसकी रक्षा का काम करता है, वही उसके भोजन का काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जंतुशालायाम के जंतवाह संति, जंतुशाला में कौन कौन से प्राणी हैं? यहाँ पर देखिए, जंतुशाला में जितने भी आपने पहले भी पिक्चर में देखे थे, तस्वीर में देखे, और अपने लेसन में भी आपने पढ़े, आप वो सारे लिख सकते हैं, जंतुशालायाम सिंह, फिर देखिए गंडकः, गजः, चटकाः, हंसाः, च
चा अनेके जंतवः संति। हमने सारे नाम तो नहीं लिखे लेकिन हम इसमें अनेके लिख देंगे कि अनेके का मतलब है बहुत से। जंतवः जंतु है, जंतवः शब्द बहुवचन है क्योंकि बहुत सारे जंतुओं के लिए कहा गया है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 3, रेखांकित पदानी आश्रित्य प्रश्न निर्माणम कुरु। रेखांकित पदों का आश्रय लेकर आधार लेकर प्रश्न निर्माण कीजिए। जलाशय हंसाः तरन्ति, यहाँ पर देखिए जलाशय में हंस तैरते हैं। अगर आप इसका हिंदी में प्रश्न बनाएंगे तो आप यही कहेंगे ना, जलाशय में कौन तैरते हैं। अब हंस बहुवचन है तो आपको ये भी देखना है, हंस शब्द पुलिंग है तो आप पुलिंग के किम के रूप बहुवचन में ले आएंगे, जैसे का कऊ के, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका जलाशय के तरंती। ठीक है बेटा, और प्रश्न निर्माण करना है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए महापंजर के सिंगम पश्ये, बहुत बड़े पिंजरे में शेर को देखो। यहाँ अगर आप इसका पहले हिंदी में प्रश्न बनाइए, बहुत बड़े शेर में किसको देखो, तो आप ये देखेंगे सिंह शब्द जो है ये पुलिंग है, तो आप और सिंह शब्द जो है पुलिंग है, द्विवचन सॉरी द्वितीय विभक्ति है, तो आप क्या करेंगे किम शब्द के पुलिंग रूप द्वितीय विभक्ति एक वचन ही ले आएंगे, क्योंकि सिंगम शब्द भी दूसरी विभक्ति एक वचन है। आप किम के पुलिंग के रूप भी दूसरी विभक्ति एक वचन के सोचेंगे, जैसे का कौ के कम कौ कान, तो यहाँ पर कम, यहाँ किम नहीं आएगा, किम उसके लिए आता है जो नपुंसकलिंग होता है, यहाँ पर कम आएगा क्योंकि सिंह पुलिंग है। ठीक है, महापंजर के कम पश्य और प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट देखिए गंडकः जलस्य समीपे तिष्ठति, गैंडा पानी के पास रहता है। यहाँ पर जलस्य को अंडरलाइन किया है, गैंडा किसके पास रहता है। अब यहाँ पर देखिए जलस्य जल के रूप नपुंसकलिंग की तरह चलती है लेकिन पुलिंग की तरह ही इसकी षष्ठी विभक्ति होती है, दो विभक्तियां जो है इसकी पुलिंग की तरह होती है, बाकी सब दो विभक्तियां इसकी डिफरेंट होती है, बाकी सब पुलिंग की तरह होती है। जैसे आपने रामस्य, ऐसे ही जलस्य। अब इसके लिए किम शब्द के रूप हम षष्ठी विभक्ति लाएंगे, कस्य। यस, नेक्स्ट आपका है सिंह जंतु राज है अस्ति, सिंह जंतु राज है अस्ति। यहाँ पर देखिए, यस अवनी कपूर आप बताइए सिंह कौन जंतु राज है, या सिंह की जगह क्या आएगा अवनी? यस मैम, सिंह की जगह क्या आएगा प्रश्न निर्माण करने के लिए? मैम क जंतु राज अस्ति। वेरी गुड बेटा, क जंतु राज है अस्ति, क्योंकि सिंह, सिंह शब्द पुलिंग है और ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो हम किम के भी पुलिंग के प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप लिखेंगे। यस, प्रश्न नंबर 4 देखिए, धातु भी से प्रत्ययान योजित्वा रिक्त स्थानानी पूर्यत। धातुओं के साथ प्रत्यय लगाकर, योजित्वा मींस लगाकर या जोड़कर रिक्त स्थानों को पूरा करो। जब मैंने लेसन पढ़ाया था तो मैंने ये सारे प्रत्यय आपको वन बाय वन करवाए थे। अब मैं आप लोगों से ही पूछूंगी, ये तम डैश न का अपि समर्थ है अस्ति। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में मृ धातु जिसके रूप चलते हैं मार्यति मार्यत है, और तुमन प्रत्यय लगाकर आपको शब्द बनाकर लिखना है, मृ प्लस तुमन। यस, ईशान बताइए जरा मृ प्लस तुमन क्या बनेगा? मृ प्लस तुमन, मृ प्लस तुमन, मार ये तुम, इसको ऐसे तुम बोलेंगे, खोल खोल कर बोलेंगे तो कभी भी लिखने में भी गलती नहीं होगी। मार ये तुम, मार ये तुम, मारने के लिए, उसको मारने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। भोजनम डैश अन्यान जंतून द्रक्ष्यामे, क्री प्लस त्वा। यस, शिवम जोशी आप बताइए, भोजनम डैश अन्यान जंतून द्रक्ष्यामे है,
कृत्वा वेरी गुड, भोजन करके अन्य जंतुओं को देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, सिंहः क्षणे एव तम डैश समर्थ अस्ति। यहाँ पर सिद्धि आप बताइए, सिद्धि की नश नाश्य तुमुन क्या बनेगा? नाश्य तुम, यस वेरी गुड, नाश ये तुम नष्ट करने के लिए, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट देखिए, अहम जंतुशालाम डैश इच्छामि, यस अवनी जैन, अवनी जैन आप बताइए, अहम जंतुशालाम डैश इच्छामि क्या आएगा? गंतुम, यस वेरी गुड बेटा, गंतुम, गंतुम मीन्स जाने के लिए, मैं जंतुशाला जाने के लिए इच्छा करता हूँ। सर्वे सिंगम डैश भयभीता आसन, सर्वे सिंगम डैश भयभीता आसन। स्नेहल, स्नेहल आप बताइए, दृश प्रस्तवा, स्नेहल मैम दृष्टवा, यस वेरी गुड बेटा दृष्टवा, ठीक है। अब सबको ये देखिए प्रत्यय भी आ गए, इसीलिए जब मैं आपसे पूछती हूँ कि बच्चों को, बच्चों का पता भी चलता है कि इनको कितना समझ में आ रहा है, और आप लोगों को भी एनकरेजमेंट मिलती है। सो प्लीज बेटा बी अलर्ट। प्रश्न नंबर 5 में देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर 37 पेज पर जब ये प्रश्न नंबर 5 खत्म होता है तो उसके बाद में वर्ड्स दिए हुए हैं। जब भी अव्यय का प्रश्न आपको आता है उसके वर्ड्स हमेशा दिए हुए होते हैं, चाहे प्रश्न से पहले दिए हुए हो और चाहे प्रश्न के बाद में दिए हुए हो, तो प्लीज आप लोग ध्यान देंगे। यस देखिए वर्ड्स दिए हुए मंजूषा में, तू अतीव प्रथमम अलम, तू मीन्स तो, अतीव मीन्स बहुत, प्रथमम पहले, अलम मीन्स बस करो। प्रश्न है आपका, उचितई अव्यय पदई रिक्त स्थानानि पूर्यन, उचित अव्यय पदों के द्वारा रिक्त स्थान पूरे करो। डैश विस्तरेण स्वयं एव द्रक्ष्यसि, यस वैभव अग्रवाल आप बताइए, वैभव, वैभव डैश विस्तरेण स्वयं एव द्रक्ष्यसि, वैभव जल्दी बोलो बेटा, वैभव सुन रहे? हाँ जी दोबारा बोलो बेटा, मैम अलम, यस वेरी गुड बेटा, वैभव अलम का मीनिंग क्या होता है? यस अलम का मीनिंग क्या होता है? यस आर्यन जैन, अलम का मीनिंग क्या होता है? मैम बस करो या मत, यस बस करो या मत करो, वेरी गुड बेटा, यस नमन गुप्ता, अलम के साथ कौन सी विभक्ति आती है नमन गुप्ता? जल्दी बताओ नमन, अलम के साथ कौन सी विभक्ति आती है, कौन सी? तृतीया, तृतीया, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड चिल्ड्रन, यस। नेक्स्ट देखिए, डैश एतान विविध वर्णान चटकान तू पश्य, कि पहले विविध वर्णों की चिड़ियों को देखता हूं। यहाँ पर क्या आएगा अवनी कपूर, क्या आएगा यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में अवनी? यस मैम, क्या आएगा बेटा? डैश एतान विविध वर्णान चटकान तू पश्य, वर्ड्स आपके सामने दिए हुए हैं बेटा, अतीव नहीं बेटा, यस अक्षत जैन, अक्षत जैन आप बताओ बेटा क्या आएगा इसमें? अक्षत प्रथमम, क्या आएगा इसमें? यस प्रथमम, वेरी गुड बेटा, यस। नेक्स्ट देखिए, एषः गंडकः, एषः गंडकः डैश बल युक्तः, एषः गंडकः डैश बल युक्तः। ईशान नौटियाल आप बताइए,
मैम यस एशा गंडका डैश बलयुक्त यस अतीव यह गैंडा बहुत बलशाली है। सर डैश जंतु राजा अस्ति सर तू जंतु राजा अस्ति वह तो जंतुओं का राजा है वह तो। यहाँ पर देखिए नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं बेटा आप कभी भी स्पेलिंग मिस्टेक भी मत करना देखकर लिखना क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं तो मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाते हैं कम हो जाते हैं ठीक है बेटा बी केयरफुल अबाउट स्पेलिंग्स ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप पुलिंग रूपाणी लिखत प्रश्न नंबर 6 पुलिंग रूपाणी लिखत पुलिंग रूप लिखो। सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ें यहाँ देखो शब्द दिया हुआ है विभक्ति उसकी दी हुई है कौन सी लिखनी है आपने एकवचन द्विवचन और बहुवचन रूप लिखने हैं। जैसे देखिए किम के रूप प्रथमा विभक्ति में पुलिंग में क कौ के वो मैं अभी डिस्कस भी कर रही थी आपसे क कौ के। अब देखिए यत के तृतीय विभक्ति में लिखने हैं येन याभ्याम यई जैसे देवेन देवाभ्याम देवई ऐसे यत के रूप भी पुलिंग के ऐसे चलेंगे ठीक है। तत के भी ऐसे ही चलते हैं बेटा पुलिंग के तेन ताभ्याम तई। अब देखिए तत की प्रथमा विभक्ति यस तत की प्रथमा विभक्ति यस अवनी कपूर तत की प्रथमा विभक्ति क्या होगी अवनी कपूर यस मैम तत की प्रथमा विभक्ति क्या होगी पुलिंग में सताउते यस वेरी गुड बेटा सताउते सातौ ते यस आदित्य सुन रहे हो यस अनुष्का भास्कर अनुष्का भास्कर yes, ma'am. बेटा अब आप बताएंगी कि किम की चतुर्थी विभक्ति पुलिंग के रूप कैसे चलते हैं ma'am, किम की चतुर्थी विभक्ति पुलिंग जल्दी बोलो बच्चे ma'am, किम के जो चतुर्थी विभक्ति है उसके रूप चलते किम की बेटा चतुर्थी विभक्ति पुलिंग के रूप यस नमन गुप्ता आप बताओ बेटा मैम कस्मै काभ्याम केभ्य यस वेरी गुड कस्मै काभ्याम केभ्य। अब देखिए यत की यस यत के पुलिंग के रूप प्रथमा विभक्ति य यौ ये ठीक है। अब ये हमारा प्रश्न नंबर 6 पूरा हुआ। इसके बाद में हम प्रश्न नंबर 7 में देखते हैं आपके सामने बेटा चित्र है आप स्क्रीन पर भी देखिए यस प्रश्न नंबर 7 में क्या लिखा हुआ देखिए अधो दत्ते चित्रे के पशवः सन्ति नीचे दिए हुए चित्र में कौन कौन से पशु हैं नामानि लिखत नाम लिखो। यहाँ पर बेटा मैंने 1, 2, 3 नंबर खुद डाल दिया है कि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर देखिए 1 नंबर पर वानर बंदर हमें दिखाई दे रहा है तो वान रहा दूसरे नंबर पर हमें बिल्ली दिखाई दे रही है तो विडालहा। देखिए तीसरे नंबर पर हमें घोड़ा दिखाई दे रहा है तो उसका संस्कृत में अश्वः। फोर्थ नंबर पर हमें चूहा दिखाई दे रहा है तो मूषकः। फिफ्थ नंबर पर हमें शेर दिखाई दे रहा है तो सिंहः। और सिक्स नंबर पर हमें गाय दिखाई दे रही है तो गाय को हम धेनु भी कहते हैं और गौ भी कहते हैं ठीक है बेटा। तो आज हमारा ये पार्ट 7 जो है वो कंप्लीट होता है। आप लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बार बार पढ़ेंगे और इसको अपने इसका अनुवाद साथ साथ करेंगे शब्दों के अर्थ करेंगे तो आपको पाठ बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। वेरी गुड बेटा आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है सब बच्चों ने आंसर दिए हैं। इसी प्रकार आप आगे आने वाली कक्षाओं में भी तैयार रहेंगे उत्तर देने के लिए। अगर आप अलर्ट रहेंगे तो बेटा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यस अक्षत जैन